दुकान पे आके सर्कल साहब कांस्टेबल मिलके मारे, चालरी साहब मिलके मारे, क्योंकि मेरी दुकान में 98 से अभी तक ऐसा कुछ भी क्या भी नहीं करे। मेरी दुकान ऑलरेडी मैं छज्जे के अंदर रहता हूँ, फुटपाथ मेरे छज्जे में मनाए तो है ऑलरेडी। आके मारने से पूरा माल बिल पूरा फेंके और पूरे गले में के पैसे रोड पे गिरे, कौन कितने पैसे कौन उठा ले गए मालूम नहीं पड़ा। कल का कनेक्शन पूरा चले गया मेरा, 30 से 40 हज़ार रुपये थे। मेरा शानबाग कॉम्प्लेक्स में, शानबाग कॉम्प्लेक्स में मेरा दुकान है नारियल का, संगमेश्वर हॉस्पिटल के बाजू नारियल की दुकान है, कच्चे नारियल की। कल हमारे काम करने वाले बच्चे को मार के पूरा गल्ला बिल्ला रोड पे फेंके, फेंकने की वजह से पूरा परेशान हो गए कल। आज इसलिए हम साहब के पास आए हुए हैं यहाँ। वजह वही रोड पे बोल के बोल रहे हो, ऑलरेडी हम हमारी जगह पे हैं, फुटपाथ पे है बोल के बोल रहे हो, फुटपाथ ही हमारी जगह पे मने। ऑलरेडी हमारा जो छज्जा है, हमारे दुकान का छज्जे के अंदर ही दुकान रहती है हमारी, हम रोड पे आते नहीं और किसको डिस्टर्ब करते नहीं। ಚಾರಿ ತೇರಿ ಮಾಕಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಾನ್ ಬಿಡವಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಹಂಗ ಹಂಗ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಮಾಕಿ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ನೀ ನೋಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಮ್ಲೋ ಹಮಾರಾ ದೇಖ ಉಮರ್ ಹೋನೆ ಲಗಿ ಹೇ उधर थोड़ा थोड़ा बैठ के कर को खाने लगे तो हमको वोट वहाँ बैठने नहीं देने लगे तो करके क्या खाना। बुढ़ी लोग हम हमारा हम बस स्टैंड के गेट के कर को खाते, ऑटो को स्टॉप करते नहीं तो ये तो अंगूर वो ये फुटफाट लेके बैठते। बुढ़ी है बुढ़ा है बोल को ये नहीं समझते, टोकरे को उड़ा मारते, टोकरे को उधर धक्का देते, हम ऐसा करते। हमारा पति नहीं रहता तो हम क्या करके खाना है। सौ पैसा माला फेंकते, ये फेंकते, उठो उठो बोलते, देने नहीं तो थोड़ा समझ के उधर जाको बैठो बोलने का रहते रहता। इतना भी अत्याचारी नहीं करना हम लोग गरीब लोग को, यही याद है। हाँ वैसा भी बच्चे लोग हमारा बेटा हमको कर को खा रहा है तो मारना तोड़ना ये नहीं करना। हाँ हमारा हम कर को खा रहा है क्या, रोड जतन कर रहा है क्या, रोड खरीद कर रहा है क्या, बड़ा बड़ा दुकान है थोड़ा थोड़ा लेके। हाँ फुटपाथ के, हाँ रोड पर नहीं आए फुटपाथ, हम रोड डिस्टर्ब नहीं कर सकते, रोड छोड़ देते फुटपाथ के ऊपर बैठ के थोड़ा थोड़ा धंधा करते सब लोग। हटो हटो बोले तो भी बाजू हो जाते, और भी आगो लगाए तो भी तुम कहीं को जा रहा है बोल को, ऐसा धांधली करते। अभी डिमांड क्या है आपका, कर को खाने दो हमको, हम कुछ नहीं मांगते, हम किसी को तकलीफ भी नहीं देते। पीछे हट को बैठो बोले तो हम वहाँ बैठ के हमारा पेट हम भर लेते। 40-50 साल से धंधा करते, मैं अकेला वो एरिया में पुराना बोले तो मैं अकेला हूँ। आज मेरा आग ऐसा कालर पकड़ो को पुलिस स्टेशन को लेके, सब हम क्या करें, खाली फुटपाथ पे धंधा करें हम, यहाँ गाड़ी कैसे लगा तू आड़े तुड़े मुँह का इससे गाले दे रहे सब। हमारा लाइसेंस तक है मेरा, पीडी व्यापार का मेरे पास लाइसेंस तक है, गेट को लगा कर गाड़ियाँ ठहरे हम। हम क्या चलो भाई किसी को तकलीफ दे रहे हैं, किसी को क्या तो बोल रहे हैं, आराम से बैठ के धंधा करें किधर। एक तरफ आ रहे रंडी मकड़े भोसली मकड़े, ये हमारे पूरे घर के लोगों से हमारी गुजारिश है हमको कर को खाने दो बोला, हमको दूसरी तकलीफ कुछ नहीं। हमको रोज रोड पे धंधा करने वाले, हम रोड पे धंधा करने के किनारे एक तरफ किनारे ठहर के धंधा करेंगे हम। आके गाली देना मारना ये नको करो साहब, हमको इतना तकलीफ है हमारे को, दूसरा कुछ बोलेगा नहीं। सर असल में तकलीफ ऑटो वालों से है, 25 से 26 हज़ार विदाउट परमिट ऑटो है, उनको हटाओ आप, उनको हटाओ, ट्रैफिक खुद ब खुद क्लियर होता सब। हमारे को ट्रैफिक से कंसर्ट नहीं, हम फुटपाथ पे हैं, फुटपाथ पे ट्रैफिक क्या, फुटपाथ पे क्या गाड़ी चलती, क्या बस चलती, क्या चलती फुटपाथ पे। हाँ हम साइड में बैठ के जो है धंधा करते, हमको जो है तकलीफ दे रहे आ रहे, वो लगाने के बाद जो आके लात से मार के गिरा रहे, ये सब तकलीफ अच्छी बात नहीं है, ज़बरदस्ती हो गई है, जालसाजी हो गई है, क्यों इतना तकलीफ दे रहे भाई। हम करके खाने वाले गरीब लोग, करके खाने वाले, हमारे पेट पे लात मार के तुमको मिल रहा है क्या। हाँ कर रहे हैं जो मर्डर कर रहे हैं जो, उनको तो तुम कुछ भी कर रहे नहीं, ये कर को खाने वाले उनको तकलीफ दे रहे आप, ये मतलब नहीं आता ना। क्या करें वहाँ पे आके, वो लात से मार रहे हैं, आके लात से मार रहे हैं, हाथ से मार रहे हैं, क्या कैसा क्या बर्दाश्त, क्या कर कुछ खा रहे ना सब, हम क्या क्या तो गुनाह है हमारा, नहीं लगाना बोलते, नहीं लगाना बोलते वहाँ पे। हाँ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है बोलते हो, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट हम गवर्नमेंट किसके वजह से चल रही, पब्लिक की वजह से चल रही, हमारे टैक्स पर तुम ये हो रहा है।
हाँ, टैक्स हमारा पहुंच रहा नहीं आपको, पब्लिक टैक्स आ रहा नहीं आपको। हाँ, कमिश्नर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, कमिश्नर साहब रंदे, चाहे ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर साहब रंदे, कोई भी रंदे, आप सबसे जो है हमारी रिक्वेस्ट है, हमको जो है कर खाने का जो है मौका जो, और ये जो भी है ये ट्रैफिक पुलिस वाले भी जो है बहुत तकलीफ दे रहे, सब लगाने नहीं दे रहे, कारोबार हमको करने नहीं दे रहे। हाँ, उनका ये ट्रैफिक जाम है, उनका कहना है, लेकिन वो ऑटो वाले से साहब हमारे से नहीं है, ऑटो वाले विदाउट परमिट के जो है 25 से 30 हज़ार ऑटो है, वो ऑटो को कंट्रोल करो साहब, आप हमको कंट्रोल करने से क्या होता बताओ आप, ट्रैफिक हम क्या ट्रैफिक के रोड पे ही, हम फुटपाथ पे है साहब, 2 लाख रुपए खर्चा है साहब, अब वो कौन देते साहब, देते कौन साहब वो खर्चा। हाँ, अब चार चार पाँच पाँच एक दुकान पे चार पाँच जने कर खाते साहब, चार पाँच जने का पेट पलता, तुम इतने पेट पे लात मार के क्या मिल रहा है आपको ये बताओ, ऐसी तकलीफ है साहब ये सब। बंडा साहब, अब ये कंडी मार्केट से लेकर के जो है जवर के क्रॉस तक लगता है साहब, और ये ज्यादा सब में ज्यादा तकलीफ है बस स्टैंड के साहब, बस स्टैंड के पास है साहब, मेन पब्लिक जो है वहीं से, कारोबार वहीं से, तुम कहाँ तो भी दूसरी जगह लगा देंगे, हम क्या कारोबार करेंगे बताओ, ये कर दे रहे। हाँ, अब बात करेंगे जो है थोड़े बहुत है, पैसे भी मांग रहे साहब, क्या करना बताओ, कहाँ से देना बताओ, हम कमाने का 400-500, उसमें 500 जो, 200 जो, 300 जो, ये तकलीफ है साहब। देखो आप लोग, आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, चाहे कमिश्नर साहब हो, चाहे सर्कल साहब हो, चाहे प्रेस वाले हो, जो भी है हमारे जो है, इसको जो है एक रास्ते को लगा के जो है एक जरा हेल्प करे तो अच्छा होता आप लोग। सर अली ಒಂದೊಂದು ಶಾಪ್ಗಳು 25 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ರೆಂಟ್ ಅದಾವ ರೀ, ನಮ್ದೇನು ಚತ್ತದ ಬೋರ್ಡಿನ ತನ ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಗಿಸ್ತೀವಿ, ಸಿಕ್ಸದು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತಾರೆ ಇವರು, ಸಿಕ್ಸದು ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೆ ರೆಂಟ್ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಗಿಸ್ತಾರೆ ಆ ವಚ್ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೈಯೋದು, ಬ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡತ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರನೇ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ರೋಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ದಂಧೆ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮದ್ರೊಳಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಕುಂಡ್ರದಾಗಲಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ, ಆಯ್ತು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಮ್ಮ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬಂಡಿ ಮಾರಾಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಮಾರ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರೋ ಜಾಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ತರಕಾರಿ, ಆಯ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ಮಾರೋರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ರಿ, ನೀವು ರೋಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು.